और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग और नंदी बाबा मिलने के बाद संग्राम मचा हुआ है। आज सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर के विरोध कर रहा है कि वहाँ पे कोई शिवलिंग मिला है, उनके हिसाब से फव्वारा मिला है। अभी ये विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की इसमें एंट्री हुई है। गए थे दौरे पे, अयोध्या में रुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ऐसा जवाब दे दिया कि कोई भी सुन करके माथा पीट लेगा। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है, हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता नहीं लगा, हम और आप उस बहस में है। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं, आपने हमने सामने पढ़ा। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में क्या है, कहीं पर भी पत्थर रख करके सिंदूर लगा करके लाल झंडा गाड़ दो मंदिर बन गया। यानी उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को ही आलोचना के जद में ले लिया और जो भी हिंदू पक्ष का दावा है उसकी खिल्ली उड़ा दी। बस इसके बाद क्या था, और सियासी संग्राम बढ़ चला। अखिलेश यादव हालांकि इस बातचीत में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं, गेहूं कैसे निर्यात किया जा रहा है उसको भी उठा रहे हैं, और बीजेपी किस तरीके से ध्यान बटाने के लिए इन मुद्दों को तूल दे रही है, ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन मंदिर को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया कि कहीं पर भी पत्थर रख करके सिंदूर लगा करके लाल झंडा गाड़ दो वो मंदिर बन गया, वो क्या कहना चाहते हैं, गौर करने वाली बात है। आप भी गौर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।